चलिए आज अब मार्केट ओपन होने वाले हैं तो फोकस अब क्लियर कट मार्केट्स पे ही रहेगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग संकेत नहीं है एशियन मार्केट से, लेकिन फिर भी देखना होगा कि भारतीय बाजार अपनी बढ़त को संभाल पाते हैं जो पिछले कुछ दिनों में बनाई है। लेकिन सुब्रा आज के लिए ट्रेडिंग करनी हो तो कौन से दो शेयर हैं आपके रडार पर? रजत, आई थिंक क्रूड के लिहाज से जहां पर आप बढ़त देखे तो उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक एक ओएनजीसी अच्छी बेट बन सकती है। तो मेरा मानना है कि शायद इवन एक मीडियम टर्म का भी अगर हम पकड़े तो आई थिंक मेरा मानना है कि शायद एक 225-230 का टारगेट पकड़ सकते हैं। और दूसरा मेरा मानना है कि शायद एक IDBI जो बजट के लिहाज से भी बताया था, तो आई थिंक यहाँ पर एक मोमेंटम ऑलरेडी हम लास्ट 3-4 सेशन में देखे तो शायद हल्की फुल्की करेक्शन आ सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि 65 तक एक टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है। राइट, बहुत शुक्रिया सुब्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पे कमेंट करने के लिए शुक्रिया। लेकिन टाटा मोटर्स DVR पे आप जरूर नजर रखें, एक तो निफ्टी का हिस्सा बनेगा 1 अप्रैल से। आज इंडिकेटिव एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, टाटा मोटर्स DVR की ओपनिंग बहुत पॉजिटिव हो सकती है, इसको अपने रडार पर रखें। BF इन्वेस्टमेंट कल भी तेज था, आज भी तेजी बरकरार रह सकती है। ताज GVK, V-Guard ये कुछ शेयर है जो इंडिकेटिव एक्शन स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं और केसरा मिड कैप कैटेगरी में एक्टिव हो सकता है आज भी, कल भी अच्छी तेजी बनी थी। अरविंदो फार्मा एक और शेयर जो आज ट्रेडर्स के रडार पर रहेगा, इंडिकेटिव एक्शन यहां पर भी स्ट्रॉन्ग है, इसमें तेजी बन सकती है। मुंजाल ऑटो, एड लैब्स, एंटरटेनमेंट ये कुछ शेयर्स हैं। नवनीत एजुकेशन, प्रैक्ट एजुकेशन स्पेस में एक्टिव हो सकता है, इंडिकेटिव एक्शन इस शेयर का भी काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो कुछ ऐसे शेयर्स यहां पर आपको फोकस करना है और बजट रिलेटेड स्टॉक भी फोकस में होंगे। 5 अंक के आसपास से गेंस के साथ खुले आज 7240 के लेवल पर। वीरेंद्र देखें करीब 48 पे निफ्टी और एक बड़े क्रिटिकल पॉइंट पे ग्राफ देखिए, ऑलमोस्ट एक क्रिटिकल पॉइंट। आई थिंक कल इसको शायद हमने एक बार इंट्राडे में वॉलेट किया था, उसके ऊपर गए थे लेकिन उसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोजिंग नहीं दे पाए थे। ठीक वहीं अगर आप देखें 7237 पे निफ्टी करीब 3 अंकों पर लगभग 23814 के स्तर पर सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट खुला है 10 अंकों पर, 10 अंकों की हार्दिक तेजी के साथ। आगे बढ़ते हैं कुछ सरफ स्टॉक्स को, निफ्टी के गेनर्स को लूजर्स को देखते हैं। गेनर्स में आप देखें टाटा मोटर्स, जिस इनफैक्ट जो कि DVR अपना लेके अब इंडेक्स में आएगा, BHL 1% ऊपर, हिंडाल्को करीब 1% ऊपर, टाटा पावर, बॉश ये कुछ स्टॉक्स जो कि यहाँ पे अच्छा करते हुए, लेकिन गेज हार्डली अगर आप देखें 1.5% 2% के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ONGC पुलबैक मोड में है, क्रूड की तेजी के चलते सन फार्मा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अगर आप देखें प्रोस्पेक्टिव से, आइडिया, मारुति, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो बैंक्स की अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है, लेकिन नॉन बैंकिंग की अच्छी प्रेजेंस यहाँ पर है और नॉन बैंकिंग क्वालिटी स्टॉक्स की NTPC, PNB, वेदांता, BHL, बैंक ऑफ बड़ौदा, ITC बैकफुट पे खड़े हैं। ITC अगर आप देखें 300 के कल डिसाइसिवली ब्रेकआउट दिया था, ये ब्रेकडाउन दिया था इसने और आज कैपिटलाइज करता हुआ 300 के नीचे। उसके बाद अगर आप देखें तो पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा बैंक, BHL, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज ऑटो, ये कुछ काउंटर जो कि बैकफुट पे खड़े हैं इस वक्त। आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग स्टॉक्स लाल निशान में घिरे हुए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि गिनर्स में प्रेजेंस नहीं थी इनकी। आप देखिए लार्ज कैप बैंकिंग में BOB, SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, PNB, चाहे वो PSU बास्केट से हो या फिर प्राइवेट बास्केट से, सारे के सारे लाल निशान में। उसके बाद सेकंड स्लाइड में अगर आप देखें ये लाली मचाई हुई है पूरी बैंकिंग में, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूको बैंक, IOB, फेडरल बैंक, यानी मिड कैप बैंकिंग जो कि निफ्टी बैंक का बहुत बड़ा पार्ट नहीं है अगर आप देखें तो, वो भी इस वक्त पैकफुट पे खड़ा है 1% के लॉसेस को लेकर। पे कैप गेनर्स में आप देखें अरविंदो फार्मा, इसके लिए अच्छी खबर, ये इंडेक्स में का हिस्सा होगा निफ्टी 50 का। बाकी स्टर्लिंग बायोटेक, सुजलॉन, वेल्सपन कॉर्प और EIH ये कुछ काउंटर जहां पर तेजी नजर आ रही है। इसके बाद सेकंड स्लाइड में लेंको इंफ्रा, सनोफी इंडिया, थर्मैक्स, ABB, ऑल इंडिया, ये कुछ काउंटर जहां पर इस वक्त तेजी देखने को मिल रही है। जुबिलेंट फूड्स पर आप देखें मजबूत है, आज एलिकॉम बैकफुट पे खड़ा है, मिड कैप बैंकिंग में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, मदरसन सुमी, कैपिटल ग्रुप्स में ABB, ये काउंटर्स बैकफुट पे खड़े हैं और दिवीज लैब भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट लॉसेस के साथ ही खड़ा हुआ है। सेकंड स्लाइड में टाटा ग्लोबल, पेट्रोनेट कमजोर स्ट्रक्चर जिसकी मैंने सुबह बात की थी, इंडिया बुल्स, रियल स्टेट, GVK पावर, नॉट एग्जैक्टली कमजोर स्ट्रक्चर, अच्छा डिलीवर करने के बाद अब बैकफुट पे आ रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे रिप्लेसमेंट आ रहा है इसमें। टाटा मोटर्स जो कि देखिए DVR जो कि अब इंडेक्स का एक हिस्सा होगा 321 पे, भारतीय इंफ्राटेल अगर आप देखें तो यहाँ पर ये स्टॉक लगभग 8 रुपये तेज 2% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं इन दोनों स्टॉक्स के बाद, वेदांता जो कि बाहर होगा ये करीब करीब 0.5% नीचे है, केयर इंडिया जो कि बाहर होगा लेकिन आज क्रूड के पुलबैक के चलते लगभग 131.90 पे एक छोटी सी तेजी लेकर कारोबार कर रहा है। आशापुरा माइकिन करीब करीब 2.5% ऊपर खुला है, 2.30 रुपये की तेजी के साथ 82.10 पे, लेकिन स्ट्रक्चर काफ़ी शानदार कैपिटलाइज करता हुआ स्टॉक। और आई थिंक जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट होगा आज इस सेशन के लिए वो होगा 83.30 रुपये। उसके बाद फर्स्ट रेट में अगर आप देखें जिन स्टॉक्स में अच्छा मूव है उसमें एक ब्लू स्टार करीब 3 रुपये ऊपर, लेकिन जेट एयरवेज, संजन, ICICI बैंक, NTPC बैकफुट पे खड़े हैं, NTPC का जिसका ओवरफेस आज खुला है। आगे बढ़ते हैं और कुछ सेल्फ स्टॉक्स को देखते हैं, इसमें न्यू लिग्नाइट लगभग फ्लैट है, PNB फ्लैट,
स्लाइटली विद नेगेटिव बायस, इंफोसिस, टीसीएस, बीएचएल, पीएचएल अगर आप देखें फ्लैट 101.10 के स्तर पर कारोबार करता हुआ आगे बढ़े। तो अगर आप रेलवे स्टॉक्स को देखें तो कल जहां पे थी अच्छी खासी थी, आज सारे के सारे प्रॉफिट बुकिंग मोड में, कल इंदी थी टाइगर, टेक्स मैक्रो, रेल कर, नेक्स्ट मैक्रो और स्टोन इंडिया, ये सारे के सारे काउंटर्स आप देखें साइडवेज, स्लाइटली विद नेगेटिव बायस। एनसीसी अगर आप देखें एक बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट खुला है। एचसीसी अगर आप देखें करीब 15 पैसे ऊपर। आईआरबी बैकफुट पर, रोड कंस्ट्रक्शन में अशोका बिल्कॉन और प्रतिभा इंडस्ट्रीज, रोड कंस्ट्रक्शन कारोबार वाली कंपनियां आज बिल्कुल ठंडी खुली हैं। उसके बाद फर्स्ट ट्रेड में आप देखें तो आईटी का चंक पूरा प्रॉफिट बुकिंग मोड में, इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो। आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग शब्द का मैं इस्तेमाल थोड़ा गलत कर गया, आई थिंक आज स्टेबल है स्लाइटली विद नेगेटिव बायस, बहुत तेजी नहीं है इस सेक्टर में। एक ऐसे वक्त जो रुपया अपने ऑल टाइम लोज को टेस्ट कर रहा है और ऑल टाइम लोज की तरफ क्लोज होने की तरफ बढ़ता हुआ। फर्स्ट ट्रेड में अगर आप M&M को देखें 4 रुपये नीचे, टाटा मोटर्स 2 रुपये ऊपर, अशोक लेलैंड 9190, मारुति 17 रुपये ऊपर और बजाज ऑटो बिल्कुल इस वक्त 50 रुपये गिरावट का कारोबार कर रहा है। ओएमसी में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक HPCL बैकफुट पर, रिलायंस अगर आप देखें करीब करीब फ्लैट है, बाकी अपस्ट्रीम में अगर आप देखें ONGC 1 रुपये ऊपर, केयर इंडिया करीब 7 पैसे ऊपर। आइए क्लोजिंग ये इनफैक्ट ओपनिंग के आंकड़ों को फिर देखते हैं। 23 अंक नीचे निफ्टी 7211 के स्तर पे, कैपिटलाइज नहीं कर पाया 7240 के ऊपर। अविनाश इस ओपनिंग पर राय आपकी? मेरे ख्याल से वीरेंद्र ये एक ओपनिंग एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, क्योंकि जिस प्रकार की तेजी हमने लास्ट लगातार यू नो 3-4 दिनों से देखी है, मार्केट शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और मुझे लग रहा है कि क्लियरली अभी जिस प्रकार का न्यूज़ फ्लो आज के बजट सेशन से आएगा, मेरे ख्याल से मार्केट्स इस इवेंट को भी क्लोजली वॉच करेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज अगर आता है या कोई भी संकेत पॉजिटिव मिलते हैं तो मेरे ख्याल से मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा। बट मेरे ख्याल से आई थिंक एक्सपायरी तक 7200 का जो लेवल है वो मेरे ख्याल से मार्केट्स मेंटेन करने की कोशिश करेगा।